स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, बी सोनू निगम और श्रेया घोषाल, सी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, डी ए आर रहमान और लता मंगेशकर। आंसर सी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। एक्सप्लेनेशन: शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने अपनी नवीनतम रिलीज दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए बिहार, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर बी गोवा। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए पटना, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी वाराणसी। आंसर बी हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 100,000 प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। अगला प्रश्न। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी एस जयशंकर, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी धर्मेंद्र प्रधान। आंसर डी धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी कोलंबो, डी ढाका। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस ग्रुप में 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश शामिल है।